गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो इसमें मैंने एक दो टॉप मंगाया है जो कि लॉन्ग टॉप है और कॉटन है, बिकॉज मुझे कॉटन, अभी गर्मी आ गई तो थोड़े थिक कपड़े देने का वो तो कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी आ चुकी है नोएडा में, तो आपको पता ही होगा। फटाफट देखते हैं अंदर का प्रोडक्ट कैसे है, आपको ट्राई ऑन कर कर भी दिखाऊंगी कि मुझ पर कैसा लग रहा है, टाइट है, ढीला है, क्या है क्या नहीं है सब कुछ। सो ये रहा कुछ इस तरीके से है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, फ्लेक्सी मा मेंस एंड वुमेंस हाफ एंड फुल स्लीव्स टी शर्ट इसमें आपको मिल जाएंगे, 100% कॉटन लिखा है, फ्लेक्सी मा। ये रहा कुछ इस तरीके से है, और दो कलर मंगवाए थे मैंने, एक थोड़ा डार्क शेड है, एक थोड़ा लाइट शेड है, दोनों को देखेंगे एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है ये और कैसी क्वालिटी है, फटाफट दिखाती हूँ ओपन करके। सो मैं इसकी फटाफट आपको प्राइसिंग बता देती हूँ कि प्राइसिंग कितनी। एक्चुअली मैंने ज़्यादा का नहीं लिया है, ये प्राइसिंग आई थिंक मैंने ली है 400, अंडर 500 रुपीज़ की, दोनों के दोनों पड़ी है मुझे। और ये रहा कंपनी का फ्लेक्सीमा, और 1400-1500 रुपीज़ एक का बता रहे, लेकिन अमेजोन पे तो सस्ते में मिल जाता है। सो एक है ब्लू कलर है, एक है रेड कलर है, फटाफट पहन के दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। सो इसमें सबसे बढ़िया चीज़ आपको ये लगेगी कि ये देख सकते हैं, जो वो नहीं पहनते हैं जैसे कि कुर्ता, ये उस तरीके का आपको लुक देगा। ये रहा, सो यहाँ से कट आउट है यहाँ पे थोड़ा सा। सो ये मुझे चाहिए था इस तरीके का, बिकॉज़ अगर कुर्ता बिल्कुल नीचे तक वैसा होता ना, बहुत अनकंफर्टेबल सा लगता है, बेबी छोड़ना। और जो पैटर्न है, पैटर्न कुछ इस तरीके का है, और ये रबर प्रिंट पैटर्न मुझे लग रहा है, अभी तो नहीं पता कि वॉश के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। ये रहा कुछ पैटर्न ऐसा है इसका, और पीछे से बिल्कुल ही नॉर्मल है। सो ये रहा कुछ इस तरीके का, पीछे से ये नॉर्मल लग रहा है, और ये हाफ स्लीव्स का है, बिकॉज गर्मी आ गई है तो ऑब्वियसली आप नहीं पहन पाएंगे फुल स्लीव्स। और दूसरा जो पैटर्न है मैं दिखा देती हूँ, दूसरा पैटर्न भी नॉर्मल पैटर्न है, आप इसमें और भी कलर चूज़ कर सकते हैं, साइज़ चूज़ कर सकते हैं। अभी तो साइज़ का मुझे पता नहीं, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, क्योंकि मुझे ढीले कपड़े चाहिए थे। ये है ड्रीम बिग, और इस तरीके से है, तो इसमें भी आपको सेम यहाँ से कट मिल रहा है। ये रहा, ये रहा, फटाफट ट्राई करके दिखाती हूँ कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। देखते हैं, मेरे को फिटिंग बहुत ही अच्छी आई है, ये हाथ में भी देख सकते हैं बिल्कुल फिट है, और यहाँ से बिल्कुल ढीला है देख सकते हैं, और मुझे ऐसा ही चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कि घर में आपको कंफर्टेबल पहना है। सो इस वजह से मुझे तो इसके साइज़ इसका बहुत ही अच्छा लगा, और सेकेंड दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। देखते हैं, सेकेंड वाला भी मुझे अच्छा आया है फिटिंग में, अब क्या पता थोड़ा सा टाइट हो सकता है वॉश के बाद, तो हम थोड़ा वॉश के बाद आज बता दूंगी मैं आपको अपडेट, या फिर तो कल, क्योंकि ऑब्वियसली वॉश होंगे तो टाइम लगेगा। तो कलर का भी बताऊंगी, कलर किस तरीके से निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है, देख सकते हो। सबसे चीज़ अच्छी है यहाँ पे ये कटआउट, तो आप इसमें जीन्स में भी पहन सकते हैं, इट लुक वेरी गुड। और आप इस नीचे पजामा पहन सकते हैं, जो आपका मन है, थोड़ा सा लॉन्ग में पड़ेगा आपको। सो ये रहा, तो मैं फाइनली अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा, वॉशिंग के लिए डालूंगी, वॉशिंग मशीन में तो नहीं डालूंगी क्योंकि पता नहीं चल पाएगा कलर निकला है नहीं निकला है, हम इसको हैंड वॉश करेंगे तब पता चलेगा, उसके बाद सेकंड वॉश तो जो होता रहेगा। तो क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जो मान लीजिए अभी वॉश के बाद आपको टाइट हो जाते हैं, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है कि टाइट होगा या ढीला होगा, अदरवाइज फिटिंग वॉज वेरी 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 गुड। तो अब देखते हैं वॉशिंग का क्या हाल है। देखते हैं आफ्टर वॉश इसका कलर कुछ ऐसा है, और मुझे हल्का सा थोड़ा सा टाइट लग रहा है, बहुत नहीं लग रहा लेकिन थोड़ा सा लग रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो आपका मन है तो आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी अगर आपको घर में पहनना है और कंफर्टेबल चाहिए तो आप एक साइज़ एक्स्ट्रा लीजिए, अगर आप एल साइज़ पहनते हो तो डबल एक्सल लीजिए घर के लिए, अगर आपको फिटिंग थोड़ा सा पसंद है तो आप पहन सकते हैं, अदरवाइज मेरे को कुछ खास तो ठीक ठाक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो आई रियली लाइक इट, सो आपका मन है तो लीजिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। गाइस वेलकम टू माई चैनल। तो मैंने आज मंगाया था एक टॉप है, आई थिंक ये कॉटन टॉप है, ये अमेजोन का है, तो ये कुछ इस तरीके से है जो नॉर्मल पैकेजिंग का था। फटाफट देखते हैं अंदर पैकेजिंग कैसे आया है और ट्राई ऑन करके दिखाती हूँ। सो जो पैकेजिंग आई है वो ऐसी आई है, और कलर है ऐसा, बिकॉज गर्मी में आप जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे डार्क कलर के कपड़े वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने थोड़ा ढीला ही मंगाया है, देखते हैं कैसा आया है। और ये रहा ब्रांड नेम, एल साइज है, कलर है नेचुरल, और ये आई थिंक लेस देन 400 रुपीज़ का है, ये 500 का भी नहीं है, कम है, कम का है, एल साइज़ है, दिखाती हूँ कैसा आ रहा है। सो ये रहा, ये काफ़ी बड़ा है, एक्चुअली मैंने शॉर्ट मंगाया था, ये काफ़ी बड़ा मुझे लग रहा है, मुझे लगता है कि मुझे इसको साइज़ चेंज करके एम मंगवाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके का है। और प्रिंट बहुत अच्छे प्रिंट्स हैं, कॉटन फैब्रिक है, प्योर कॉटन फैब्रिक, जिसमें आपको बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी, तो
ट्राई करके दिखाते हो। वैसे मुझे पूरा देख के लग रहा है कि ये मुझे काफ़ी बड़ा आने वाला है, तो तभी ट्राई करते हैं। सो ओवरऑल कुछ इस तरीके का आया है मुझे, और इतना ढीला ढीला सा है ये। सो आपका मन है, अगर आपका मन है इस तरीके का पहनने का तो आप पहन सकते हैं। अदरवाइज मुझे साइज़ ठीक लग रहा है, बिकॉज अगर शायद मैंने एम साइज़ लिया तो ये शायद छोटा हो जाए। सो ओवरऑल ठीक है, और कुछ इस तरीके से ढीला आया है। सो रियली होप कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय।